हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, आर्ट, म्यूजिक, योगा एटसेट्रा, स्कूल टीचर वैकेंसीज और साथ ही साथ नॉन टीचिंग पोस्ट की भी डिटेल्स कवर करेंगे। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो की डिटेल्स कवर करने के पहले आपको याद दिला दूं कि एक फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए स्टार्ट की गई है। यहां पर भी आपको जॉब अपडेट्स मिलेंगे डेली बेसिस पर। यहां पर भी बहुत सारे जॉब्स पोस्ट किए जाते हैं जो यूट्यूब चैनल से डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप चाहें तो फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों ही ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों की लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो सकते हैं फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को। तो आगे बात करते हैं इस वीडियो के जॉब डिटेल्स की। एप्लीकेशन Invited for the post of faculty for 2021-22 session. तो 2021-22 के लिए ये academic session के लिए, new academic session के लिए requirements आई हुई है। इतनी सारी requirement है। Senior secondary में भी है, secondary, middle years, primary years means PGT, TGT, PRT. साथ ही साथ instructor है, yoga, counselor, theatre, art, music, western, fusion, classical, हिंदुस्तानी, dance, physical education instructor, male, female दोनों चाहिए, library information ऑफिसर, कंप्यूटर प्रोफेशनल, इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं और प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड मोंटेसरी के लिए भी हैं। सैलरी एंड बेनिफिट ऑन पार विद अदर रिप्यूटेड टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। तो यहां पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है ये हम कवर करेंगे। इसके पहले हम जाने की ये वैकेंसीज कहां से आई है। ये वैकेंसीज 25 नवंबर 2020 द टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है। नेशनल पब्लिक स्कूल यशवंतपुर बेंगलुरु, तो ये बेंगलुरु से है। एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब है सीबीएसई से ये एफिलिएटेड है, सीबीएसई बोर्ड है ये। अब यहां पर हम एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल है पूरी कवर अप करते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है पूरी वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो बेंगलोर लोकेशन है, जॉब लोकेशन इंग्लिश फिजिक्स सीनियर सेकेंडरी में, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी। इसके अलावा सेकेंडरी में जो सब्जेक्ट्स हैं और मिडिल ईयर्स एंड प्राइमरी ईयर्स में मींस पीआरटी और टीजीटी आप जिसे बुला सकते हैं, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड कन्नड़ा। प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड मोंटेसरी के लिए भी टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। इंस्ट्रक्टर में काउंसलर, योगा, थिएटर, आर्ट, म्यूजिक, वेस्टर्न, फ्यूजन, इंडियन क्लासिकल, हिंदुस्तानी, कार्नेटिक, डांस, कंटेम्पररी, इंडियन एंड वेस्टर्न। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर में फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट मेल एंड फीमेल बोथ। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। फॉर सिस्टम मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड प्रोग्राम्स बीई, एमसीए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो सिस्टम मैनेजमेंट और अदर रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए बीई, एमसीए वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नॉन टीचिंग में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, ऑफिस असिस्टेंट है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है और रिसेप्शनिस्ट है। यहाँ पर ऑल एप्लीकेंट शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, हैव ओपननेस टू इनहेंस नॉलेज विद इनोवेटिव आइडियाज, बी कंफर्टेबल विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंजॉय द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन, वर्क कोलेबोरेटली विद इन टीम्स। तब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह कि टेट को मैंडेटरी नहीं किया गया या सी टेट को मैंडेटरी नहीं किया गया है, या ऐसा नहीं है कि बी एड ही होना चाहिए या डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। तो मतलब आपके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग है और आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ट्वेल्थ पास है तो आप अकॉर्डिंगली यहां पर से किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल दें। चलिए आगे बात करते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेंट शुड सेंड द फॉलोइंग अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद द डिटेल रिज्यूमे। एक एप्लीकेशन रेडी करें जहां बायोडेटा भी होनी चाहिए, दो कॉपीज होनी चाहिए पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ की, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ थ्री प्रोफेशनल रेफरीज। तो तीन प्रोफेशनल लोगों के जो आपको जानते हो अच्छी तरीके से, उनके रेफरेंस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, नाम भी दे दें आप। हैंड रिटेड आर्टिकल ऑफ 150 वर्ड्स ऑन माय कमिटमेंट एज अ टीचर, एडेप्टेबिलिटी टू द न्यू नॉर्म्स एज अ टीचर। ये दोनों टॉपिक दिए हुए हैं, इन पे आपको 150 वर्ड में आर्टिकल लिखना है खुद से, हाथ से।
ये भी आपको साथ में अटैच करना. ऑन द एनवेलप हाईलाइट इन ब्लॉक लेटर द पोजिशन अप्लाइड. तो जो आप एनवेलप रेडी करेंगे उसके ऊपर टॉप में पोजिशन किस पोस्ट के लिए, मीन्स इनमें से किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और एड्रेस टू द प्रिंसिपल, ये आपको करना है. इसके अलावा इसकी जो एड्रेस है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं. इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, बट ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है या नहीं है, न्यूज़पेपर में आई थी ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में 25 नवंबर 2020 की ये एडवर्टीजमेंट है. नेशनल पब्लिक स्कूल नंबर 9/1 पाइपलाइन रोड राघवेंद्र लेआउट बिहाइंड RNS मोटर्स यशवंतपुर बेंगलुरु 56022. तो ये इसकी एड्रेस है. आप इंटरेस्टेड हो तो जिस तरीके से बताई गई है उस तरीके से आप एप्लीकेशन जरूर डाल दें. बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच.